जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में फ़ायदे की बात है, आपके फ़ायदे की बात है और आपका फ़ायदा है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारा भी फ़ायदा है उस चीज़ में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपके लिए एक टारगेट सेट किया हुआ था कि उसमें जब हमारे 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो चरखा था, ये रहा वो चरखा, आप देख सकते हैं एकदम शानदार चरखा है, सफ़ेद मांझा है, ये NRK का पांडा है। कितने तारे? 12 तार का पांडा है ये। तो मैं आपको इस चीज़ में थोड़ी सी और नॉलेज देना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, NRK का प्रॉपर ब्लॉग दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। ये देखें, ये NRK का प्रॉपर ब्लॉग है। इसमें इनका ये जो पांडे का जो ऑथेंटिसिटी की जो वो एक स्लिप होती है वो भी है। तो इस सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ देखिए, आप NRK की मोहर देख सकते हैं। वैसे दूसरे मांझों में तो समझ में नहीं आता है, ये वाइट कलर का मांझा है इसलिए आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा। देखिए पूरे मांझे में इनके ऊपर जो है ये मोहर होती है। तो इस चीज़ में एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये आपके किसी कस्टमर को भी तो मिल सकता है, लेकिन इस चीज़ को मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि ये आप में से किसी को भी मिल सकता है, चाहे वो हमारा कस्टमर हो या ना हो। जो मेन चीज़ है वो हमारा सब्सक्राइबर होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है कि आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारे कस्टमर हो या नहीं हो। तो ये चरखा आप सब में से किसी एक बंदे का वेट कर रहा है, या आप में से किसी एक की अमानत है जो हमारे पास रखी हुई है। तो जैसे ही उस वीडियो पे 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम ये चरखा गिव अवे कर देंगे आप में से किसी को भी, कोई भी होगा, चाहे वो सब्सक्राइबर हो चाहे वो हमारा कस्टमर हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो वो वीडियो है उसका लिंक मैं इधर ऊपर के साइड में आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर अराउंड 600 के आसपास लाइक्स हुए हैं, तो आप जाइए उसको जल्दी से जल्दी लाइक करिए। आप अपनी किस्मत ट्राई करिए कि किसको ये चरखा मिल सकता है। जल्दी से जाइए और ये चरखा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है कि 15 अगस्त आने वाली है। ये महीना जो है देशभक्ति का महीना है, और थोड़ी सी अपनी तरफ से जो मेरी सी थोड़ी सी नॉलेज है वो आपको देना चाहूँगा मैं। देखिए मुझसे भी ज़्यादा बड़े देशभक्त होंगे, हैं, डेफिनेटली बात होंगे नहीं हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से ज़रा से मज़े के लिए वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो 15 अगस्त बेसिकली क्या है, 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी हमको, हम पूर्णतः आज़ाद हो गए थे अंग्रेज़ों से। तो इस चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा सा एक ज़िम्मा उठाया है कि हम जो हैं अपनी शॉप से जो तिरंगे वाली पतंगे हैं वो नहीं सेल करेंगे। रिस्पेक्ट हर किसी को करनी चाहिए, आप सब करते हैं मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा मज़े के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, देखिए अगर हम भी ये चाहते, देखिए हर चीज़ बिज़नेस पे डिपेंड नहीं करती, हर चीज़ फ़ायदे प्रॉफिट लॉस पे नहीं डिपेंड करती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वैल्यूज़ वाली होती हैं। अगर हम चाहते तो अपनी शॉप में चाहे बाहर लगा दें, लोग, मैंने देखा है कई सारी जगहों पे भी ऐसा देखा है, कई सारे चैनल्स पे ऐसा देखा है कि लोग जो हैं 5 रुपए की पतंग बेच रहे हैं, तिरंगा 3 रुपए की बेच रहे हैं, कागज़ की बेच रहे हैं, पन्नी की बेच रहे हैं। पहली बात तो तिरंगा अमूल्य है, तिरंगे की इतनी वैल्यू है कि कोई पहली बात तो खरीद ही नहीं पाएगा। और चलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उड़ा भी रहे हैं वो वाली पतंगें, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई उससे लड़ाइए मत, क्योंकि पतंग हवा में जा रही है, तिरंगा हवा में जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब तिरंगा हवा में उड़ रहा है। लेकिन जब वो कटता है, कटने के बाद वो कहाँ जाता है, किधर गिरता है, किसके पास जाता है, चलिए मैं कह रहा हूँ कहीं गिरा नहीं, किसी ने लूट लिया, तो अगर वो लूटेगा उसकी भी तो सेम ही थिंकिंग है, भाई चलो उड़ा देते हैं उसको, उसने उड़ाई, उसने काट कटवा दी, एक ने उड़ाई, दूसरे ने लूट ली, दूसरे ने उड़ाई, तीसरे ने लूट ली, चौथे ने लूट ली, पांचवें ने लूट ली, वो कब तक लूटी जाएगी? आखिर में उस पतंग को जाके फटना ही है। चलिए मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे ने लूट ली, बच्चों में लड़ाई हो गई, वो तिरंगा जो है वो फट गया, तो उसकी वैल्यू ख़राब हो गई। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें जिससे कि हमको भी बुरा लगे, आपको भी बुरा लगे। मैं थोड़ा सा बस यही बताना कि थोड़े से समझदार बनिए, थोड़ी सी इस चीज़ को सोचिए और थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। आप दूसरे कोई भी पतंग उड़ाइए, कोई इशू नहीं है, बट उस पतंग को थोड़ा सा संभाल के रखिए। पहली बात तो परचेज ही मत करिए, और परचेज करिए तो कुछ अच्छी परचेज करिए जिसको कि आपको उड़ाने में थोड़ा सा डर लगे, आप उसको एज एन कलेक्टेबल रख सको। तो भाई मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं समझ गया हूँ कि भाई हाँ आप समझ गए होंगे, आप सब बहुत समझदार हैं, मुझसे भी कई ज़्यादा समझदार हैं आप लोग। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात है आपके फ़ायदे की।
इतना मज़ेदार होने वाला है ये फ़ायदा कि आप सबको मज़ा आ जाएगा। एक और गिव अवे मैं लेके आऊँगा, मतलब लेके ही आ गया हूँ। तो ये देखिए है जो बहुत ही रेयर चरखा है, कहीं 10-20-50 लोगों में जाके एक लोग को मिलता है। लोग हमारे पास बहुत डिमांड करते हैं, ज़्यादा पैसे देने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन भाई जब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो हम कैसे प्रोवाइड करें। तो ये जो है ये इदरीज़ अहमद का 9-6 व्लॉग है और आप देख सकते हैं कि चरखी कौन सी लगी हुई है, तिरंगे वाली चरखी लगी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं तिरंगे वाली चरखी लगी हुई है। तो अब मैं आपको दिखाने जाता हूँ इसका व्लॉग। ये देखिए इसका व्लॉग लिखा हुआ है इदरीस अहमद 9-6, ये इनका टॉप का व्लॉग है, इसके आगे इनका कोई व्लॉग आता ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसका गिव अवे क्यों करने जा रहा हूँ। तो देखिए 15 अगस्त का अवसर आ रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, और मेरे हिसाब से तो भाई 15 अगस्त से बड़ा कोई त्यौहार ही नहीं है, क्योंकि उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है, राम भगवान को वनवास उनका ख़त्म हुआ था तो वापस आए थे, वैसे ही ये जो है 15 अगस्त उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे बड़ा त्यौहार यही है, हर कोई मनाता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात पात धर्म का आदमी हो, सब आदमी इसको मनाते हैं। तो बस यही मेन रीज़न है कि सबसे बड़े त्यौहार की वजह से मैं इसका गिव अवे करने जा रहा हूँ, और बहुत ही जल्दी मैं आपको ये बताऊँगा कि इस गिव अवे के लिए आपके लिए टारगेट्स क्या हैं, और ये आप में से किसी को भी मिल सकता है, चाहे वो हमारा सब्सक्राइबर हो, चाहे वो हमारा कस्टमर हो। ये चरखा उन लोगों के पास मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के काइट फाइटर होते हैं। पहली बात तो मिलता ही नहीं है, हमारे पास भी जब कार्टन आता है 50-60 चरखों में एक या दो चरखे ही आते हैं। तो भाई एक चरखा मिलना किस्मत की बात होती है, पैसा इसमें मैटर नहीं करता है। तो चलिए इस चरखे को मैं खोलता हूँ और चरखे की आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि आपने देखा होगा हमारे गौरव भाई हैं, मेरे क्लब के ही मेंबर हैं, वो भी आते हैं शॉप पे, आपने उनको वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो उन्होंने जब 70-80 चरखे परचेज़ कर लिए तब जाके उनको एक चरखा मिल पाया, वो भी वो कह रहे थे कि हमें दो चरखे दे दो। काफ़ी नाराज़ भी हैं वो थोड़ा सा हमसे, हमको नहीं मिला, आप तो जानते ही हो मेरा क्या हिसाब है। तो जब हमको नहीं मिल पाया तो आप समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब का कितना रेयर है। मेरा क्या समझ में कोई मांझा आया वो लेके चले गए, लेकिन भाई ये मांझा मैं खुद नहीं ले जा सकता हूँ। तो चलिए इस मांझे को मैं ओपन करता हूँ और इस मांझे की आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। पहली बात तारीफ़ क्या ही करूँ, आप कारीगर जानते हैं कि, और मांझा मैं क्या ही बताऊँ, मुझे खुद इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इसके बारे में इतनी खासियत बता दूँ, जो दो चार पता है वही बता सकता हूँ मैं भी आपको कि भाई बहुत शानदार गोलमुखी डोर है। चाहे आप इसको पास रेंज में लड़ाओ, चाहे आप दूर रेंज में लड़ाओ, पहली बात तो ये चरखा लोग इतना ज़्यादा रखते हैं, उनको रखना पसंद है कि वो आदमी घबराहट सी होती है ना कि भाई ये चरखा इतना रेयर है, कहीं मैं उड़ा दूँ उसके बाद ये ख़त्म ना हो जाए। ये चरखे तब निकाले जाते हैं जब कहीं आपकी इज्जत की बात फंसी होती है या बहुत टेढ़ी खीर फंसी होती है। वह चरखा जो है वो कितना लबालब भरा हुआ है। तो भाई बहुत शानदार डोर है, बहुत ही बढ़िया डोर है, किसी किस्मत वाले को ही डोर मिलेगी, हम तो चाह रहे हैं कि वो किस्मत वाले हम ही हो जाएं, है ना, लेकिन वो हो नहीं सकता है। तो और एक खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि रिसेंटली हम कुछ नए चैनल्स और ओपन करने वाले हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा फिज़िकल अपना सेहत कैसे अच्छी रखी जाए, एक तो वो चैनल होने वाला है, वो चीज़ें अंडर पाइपलाइन है। और दूसरा जो चैनल है उस चैनल में हम आपको कानपुर दिखाएंगे, आपको कानपुर घुमाएंगे, हम अपने साथ ले चलेंगे और आपको कानपुर घुमाएंगे, कानपुर की क्या खासियत है, कानपुर किस चीज़ से रिलेटेड फेमस है, अगर कभी कोई कानपुर आए आप कानपुर में किस जगह पे विज़िट कर सकते हो। तो वो जो चैनल होगा उस चैनल में हम आपको हर चीज़ से रिलेटेड नॉलेज देंगे। पहली बात खाने में क्या फेमस है, मैं जानता हूँ कि आप सबको, पहली बात तो मुझे ही बहुत खाने का शौक़ है, तो मुझे पता है कि जगह कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने का बहुत शौक़ है, तो हम आपको दिखाएंगे कि डोसा कहाँ का फेमस है, बिरयानी कहाँ की फेमस है, समोसे कहाँ के फेमस हैं। और एक चीज़ और बताऊँ कि कानपुर बेसिकली इंडिया का या वर्ल्ड का आप लेदर हब बोल सकते हो। कानपुर में जो लेदर मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी का मिलता है, और जो लेदर होता है वो बहुत सस्ता है, सस्ता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और वो चीज़ें कहाँ मिलती हैं, आप अभी कभी चाहो विज़िट करना तो आपको वो सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें दिखाने का काम हमारा है, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और अगर आपको कानपुर में हमसे ज़्यादा कोई जगह पता हो कि कौन सी जगह फेमस है, आप हमको वो चीज़ भी सजेस्ट कर सकते हैं उस चैनल पर जाके, और उस चीज़ के ऊपर वीडियो नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा। तो हमारा यही मोटो है कि अगर हम कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, पतंगबाजी प्रमोट कर रहे हैं,
कानपुर को भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के अंदर जो है कानपुर की इमेज थोड़ी सी है कि यहाँ पे बहुत भोकाली टाइप के लोग रहते हैं। मतलब आप सब जानते हैं कि लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर है, बहुत तहजीब वाला शहर है, तो उस तहजीब की कुछ छींटे हमारे कानपुर में भी पड़ी हैं। तो वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि क्या कैसा है कानपुर, आपको पूरा कानपुर का दिखाएंगे। ब्लू वर्ल्ड हो गया, ब्लू वर्ल्ड एज एन थीम पार्क है, वाटर पार्क है, जो मॉल है हमारा सबसे बड़ा जो मॉल है कानपुर का उसको बोलते हैं जेड स्क्वायर मॉल है। उसके बाद फिर जहाँ पे लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं उस जगह का नाम है जाजमऊ। तो ऐसी कई सारी घूमने लायक जगह हैं, ऐसी कई सारी शॉपिंग करने लायक जगह हैं, जो जगहें हम आपको दिखाएंगे, तो आप सबको भी मज़ा आएगा। और आप जाइएगा, उस चैनल को फॉलो करिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको नए नए रोज़ रोज़ के कानपुर के वीडियो मिले, और हम तो रोज़ मिलेंगे ही आपको। चलिए, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन बहुत देर से मैं समझ रहा हूँ कि आप सबके दिमाग में एक सस्पेंस चल रहा है कि ये चरखा मिलने किसको वाला है। तो भाई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको इस चरखे को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारा वो जो चैनल है, उस चैनल का हम लिंक इस वीडियो पे अपलोड करेंगे। आप जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उस चैनल पे जिस दिन भी, चाहे वो आज हो जाए, चाहे वो कल हो जाए, चाहे वो एक हफ्ते में हो जाए, चाहे दो घंटे में हो जाए, उस चैनल में जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उस चैनल पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उस चैनल पे इससे भी एक बहुत बड़ा गिव अवे मिलेगा आपको। उस पर आपको पता नहीं ना जाने कितने चरखे मिलेंगे, कितनी पतंगे मिलेंगी, और इंडिया के बेस्ट कारीगरों की आपको जो पतंगे मिलेंगी वो सब, तो चलिए वो सस्पेंस है। उसमें क्या है कि आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई एक चरखा मिलेगा, उसमें आपको क्वांटिटी मिलेगी। एक चरखा ये नहीं है कि एक चरखा ही मिलेगा, चरखे मिलेंगे, चाहे वो 6 के हों, चाहे वो 12 के हों, चरखे मिलेंगे। उसके बाद ये नहीं कि हमने आपको 10 पतंगे पकड़ा दी, नहीं, पतंगे मिलेंगी आपको, ढेर सारी पतंगे मिलेंगी आपको। और इतना बताना चाहूँगा कि आपको ये नहीं कि कहीं से भी कोई कारीगर उठा के दे दिया हमने, आपको वर्ल्ड क्लास लेवल के जो कारीगर हैं उनकी पतंगे मिलेंगी, जिनकी पतंगे रेयर हैं, लोगों को मिलती नहीं है। और ये नहीं कि सब चीज़ें एक ही बंदे को मिल जाएगा, जो चीज़ें हैं ढेर सारे लोगों को मिलेगी, जिससे कि ढेर सारे लोग लकी हों। आप में से ढेर सारे लोगों को मिलेगी जिससे कि आपको ये लगे कि भाई हमें तो फायदा हुआ है। आप में से कई सारे लोगों को मिलेगा जिससे कि कोई निराश ना हो। तो जल्दी से जाइए, आपको इस वीडियो में लिंक मिला है, जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दिया है मैंने आपको, बहुत ही मिनिमम नंबर दिया है, तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वेट करिए कि जल्द से जल्द वो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, आपको ये चरखा मिल जाए, और नया जो गिव अवे है वो जल्द से जल्द आपके लिए आ जाए। तो बस यही सब चीज़ें आपको बतानी थी इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें अंडर पाइपलाइन है, बहुत सारे लोग गिव अवे के लिए बोलते हैं, तो चलिए हम गिव अवे तो आपके लिए ले आए हैं, और भी कई सारी नई नई चीज़ें ले आए हैं, जिससे कि आपको और मज़ा आए। आपको जो वेट करना पड़ता है वीडियोज़ के लिए, अब वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो जितने भी लोगों की प्रॉब्लम्स थी कि फ़ोन नहीं उठता है, सबके फ़ोन उठ रहे हैं, ये सब चीज़ें अराउंड ख़त्म ही हो गई, अराउंड 90-95% हमने वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब जो है कुछ नई चीज़ें आपके लिए लाने का मौका आया है, कुछ सेवा हमें भी करने का मौका दीजिए थोड़ा सा। आप चाहिए आप हमारी शॉप पे भी आइए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम किस हिसाब से सेवा करते हैं लोगों की। तो चलिए, बस इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करना चाहूँगा। उस पुराने वीडियो पे जाके आपको साइड में डिस्क्रिप्शन में आपको नए जो हमारा चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, और साइड में जो आई बटन है आपको उसमें हमारे पुराने वीडियो का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, जिससे कि आप जाइए, आप जाके 2000 लाइक्स कंप्लीट करिए, ये चरखा पाइए, और नए वाले चैनल पे आप जाइए, उस पे जाके 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, ये चरखा मिलेगा, और ढेर सारे जो नए सरप्राइजेज हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। तो इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करना चाहूँगा गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय गाइज़।